Now bro is not in her. She's a Assalamu alaikum students. आज के हम इस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक की एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको क्लियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ जाए. ठीक है, तो सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. ठीक है, एक मास है, ठीक है, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है. सो इसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है. ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज़ें तो कॉमन होती है. ठीक है, एक तो हुक्स लॉ उसमें अप्लाई होता है. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हुक्स लॉ, और दूसरा क्या होता है, मीन पोजीशन. जो काम होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो सारा डिपेंड करता है मीन पोजीशन पे. ठीक है, जो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक में मोशन होती है वो होती है मीन पोजीशन के अराउंड होती है सारी मोशन, जिसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. और हुक्स लॉ क्या होता है कि जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जितना आप फोर्स लगाएंगे बॉडी पे उतना ही क्या करेगी वो बॉडी उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, स्प्रिंग में. ठीक है, जितना लेट्स हम इसको यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगा रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और अगर हम इसको इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ठीक है तो क्या करेगी, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी. सो ये दोनों चीज़ें जो है होती हैं बहुत मैटर करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन दोनों की वजह से ही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मास अटैच्ड स्प्रिंग. ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है. ठीक है, वो जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है, और स्प्रिंग जो है वो एक किसी भी टेबल या किसी के साथ अटैच हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर पड़ा हुआ है. ठीक है, ये पूरा जो एक्सपीरियंस है एक सिंपल फ्रिक्शन लेस सरफेस पे हम परफॉर्म कर रहे हैं. अब फ्रिक्शन लेस सरफेस, वैसे तो कोई बॉडी फ्रिक्शन लेस नहीं होती, बट हम आइडियल केसेस में हम इसको फ्रिक्शन लेस बना लेते हैं क्योंकि हर एक चीज़ में थोड़ा फ्रिक्शन होता ही होता है हमारे पास. ठीक है, तो देखें हमारे पास ये एक ब्लॉक है. ठीक है, जो स्प्रिंग से अटैच है, ये ज़ीरो पॉइंट पे पड़ा हुआ है रेस्ट पे. ठीक है, जब हमने इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये अपनी रेस्ट पोजीशन में है. ठीक है, मीन पोजीशन पे है, या इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं. ठीक है, जब आप बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे है. ठीक है, ये पॉइंट ज़ीरो पे हमारे पास ये रेस्ट पे, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ठीक है, जिसको हम एक्स डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, देखें अब यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है. फोर्स लगाने से इस ब्लॉक ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ठीक है, ये हो गया. एंड उसके बाद आप देखें फोर्स लगाने से इस ब्लॉक में एक रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो गया, स्टोर हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स. अब रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स वो होता है जो किसी भी बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पुश करता है या पुल करता है. उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड मीन उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. ठीक है, अब हम जितना इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता जाएगा. ठीक है, अब देखें हमने इसको यहाँ से यहाँ तक एक फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, पॉइंट ए तक हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें क्या हुआ, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी इसमें स्टोर हो गया. ठीक है, जब हम इस बॉडी को छोड़ेंगे ए पॉइंट से, तो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होने की वजह से क्या होगा, ये बॉडी वापस अपनी मीन पोजिशन पर आएगी. ठीक है, फिर ये मीन पोजिशन से होके फिर वापस इधर जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी बॉडी. तो इसी तरह क्या करेगी, एक मीन पोजीशन से आएगी, फिर बी पॉइंट पे आएगा. ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे जाएगी, फिर मीन पोजीशन होके फिर ए पॉइंट तक जाएगी. तो इस तरह क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होने की वजह से ये बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी अराउंड इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, क्योंकि जो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस हो चुका था. ठीक है, अब वापस जाके ये क्या करेगा, इस फोर्स को कंज्यूम करेगा. ठीक है, ये मास. ठीक है, ये स्प्रिंग. तो हमने जब इसको यहाँ छोड़ा, ठीक है, तो वापस यहाँ तक आ गया अपनी मीन पोजीशन पे. ठीक है, फिर
ये वापस क्यों आया, क्योंकि जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स था वो अब क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। फिर वापस बी पोजिशन पॉइंट पे आएगा, फिर आहिस्ता फिर वापस जाएगा, तो आने जाने से इसका क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, जब ऑसिलेट होगा अराउंड मीन पोजिशन, तो एट द एंड ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा जब इसमें से रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, अपनी मून पोजिशन से अराउंड क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और भी हमारे पास चीज़ है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की साइन भी आएगी। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, ठीक है, वो अपोजिट टू द मैस है, ठीक है। देखिए अब हम मैस पे, मैस को इस तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए की तरफ, बट ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या कर रहा है, इसके अपोजिट इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और वापस क्या कर रहा है, इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। सो इसलिए हम इस यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, नेगेटिव साइन लिखा है, ठीक है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि फोर्स जो है हमारे पास, एक फोर्स जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। किसी भी मैस पे जितना आप फोर्स लगाए उतने इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी इस बॉडी में, ठीक है। अब जब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक अपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास फोर्स भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो एक्सलेशन जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब मेन पोजीशन से बॉडी आगे की तरफ जाती है, ठीक है, उससे अवे जाती है, तो क्या होता है, एक्सलेशन भी बढ़ती है और क्या होता है, फोर्स भी बढ़ता है। जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है, ठीक है, ये गया यहाँ तक एक पोजीशन की तरफ अवे फ्रॉम दी मेन पोजीशन, तो इसमें क्या हुआ, एक्सलेशन भी ज़्यादा होगी और फोर्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स लगाने से क्या होगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, जब रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो इसमें एक्सलेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इस कहने का मतलब ये है कि जब फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सलेशन भी ज़्यादा होगी बॉडी में, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर एम ए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ए फिजिकल्स डायरेक्ट, जब हम यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, के एक्स। अब ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये शो करता है इलास्टिसिटी को, किसी भी चीज़ स्प्रिंग की इलास्टिसिटी को, कि किस बॉडी में किसी भी स्ट्रिंग में कितना स्ट्रेस है, उसमें स्ट्रेस लगाने पे उस स्ट्रिंग में कितना उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिननेस क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखें आपके पेन जो होती है, बॉल पेन होती है, उसका जो होता है जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इजीली हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से उसमें क्या, इजीली हम उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, जो सख्त होते हैं काफ़ी स्प्रिंग, तो उसको हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, ना ही उसको इजीली हम स्ट्रेस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसमें ना ही इतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक स्प्रिंग की एक अपनी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे F इज इक्वल टू एक्स और F इज इक्वल टू एम ए, दोनों क्वेश्चन बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अब इसमें से अगर हम एक्सलेशन की वैल्यू निकालें, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें के स्प्रिंग कांस्टेंट और मैस, तो दोनों चीज़ें क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा आगे, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गई है हमारे पास फाइनल इक्वेशन। एक्सलेशन जो होता है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और जो फोर्स होता है, जितना हम बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, और जितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी तो इतनी एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्ट रिलेशन है, बट जो नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये जो है एक्सलेशन टूवर्ड्स मीन पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट एक तरफ हमारे पास क्या हो रही है, कवर हो रही है, ठीक है,
तो एक्सलेशन दूसरी तरफ अपोजिट मेन पोजिशन की तरफ वो प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट वॉज अबाउट मैस अटैच टू स्प्रिंग. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे. थैंक यू.